मशीनरी दैट इज एम वन जैन टू थाउजेंड एटीन रुपीज सिक्स लैख तो जैन वन में जैन वन कलर दूसरा ले लेते हैं. एक, एक दो हजार अठारह में दैट इज एम वन और सर खरीदा ये छह लाख का और जितने बच्चे ऑफलाइन है आज रजिस्टर चेक करूं ना करूं अगली क्लास में रजिस्टर चेक करना है आप सभी का तो वो रजिस्टर जरूर और जो बच्चे ऑनलाइन भी है व्हाट्सएप पे भेजेंगे नहीं तो सारा मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर दूंगा आपका कल ही भेजना है आपने होमवर्क कैसे भेजना है वो सारा प्रोसीजर आपको कॉल पे समझा दिया जाएगा ऑन फर्स्ट जुलाई 2018 इन एडिशन मेड एम टू कॉस्टिंग वन नाइनटी एक जुलाई एक सात 2018 को इसने ना एम खरीद लिया एक लाख नब्बे हजार और उसके ऊपर दस हजार रुपए इंस्टॉलेशन खर्च किया स्पेंड कर दिया तो दस हजार तो दैट इज टू लैख रुपीस आपका टोटल कॉस्टिंग आ जाता है यहां तक दो लाख रुपए <laughs> आगे कहता है गॉट डैमेज दियर फॉर ऑक्सन और कहता है कि एक अक्टूबर 2019 को द मशीन परचेज जैन 2018 मतलब कहानी बता रहे हैं आपको इसके बारे में इसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये डैमेज हो जाता है और जिसको बेच देते हैं हम कब सर एक अक्टूबर 2019 में एक अक्टूबर एक दस दो हजार उन्नीस में कितने रुपए का बेच देते हैं सर थ्री लैख थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है तो सर ये इतने का गया ये इतने का गया ये रहा आगे क्वेश्चन में क्या कहता है एंड द सेम डेट न्यू मशीनरी परचेज कॉस्ट चार लाख रुपए इसी दिन इसी दिन का मतलब क्या हुआ सर इस दिन का मतलब हुआ हमारा एक दस दो हजार उन्नीस M3 पे आ चुके हैं और चार लाख रुपए का थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं इसको कंपनी परचेज अनदर मशीनरी M4 एक अप्रैल 2020 ओके एक चार 2020 कंपनी ने एक चार 2020 में एक और मशीनरी M4 खरीद लिया दैट इज कितने का था हमारा सर तीन लाख रुपए का यानी चार मशीनरी है जिसमें से एक तो चला ही गया आगे कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बीस मैनेजमेंट एबीसी लिमिटेड डिसाइडेड द चेंज मेथड प्रोवाइडिंग डेप्रीशियन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड टेन परसेंट पर एन एम टू लाइन मेथड प्रोवाइडिंग कहने का मतलब है भैया ये जो मैनेजमेंट था स्टार्टिंग से टेन परसेंट डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहा था वो भी डब्ल्यू डीबी लेकिन अब इसने बोला भैया इसको अब हम लेके जाएंगे एस एल एम और रेट के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब सर रेट क्या रहना है द द टाइम मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फील रिव्यू एंड द रिमेन यूजफुल लाइफ ऑफ सच रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर द रिव्यू कंडक्टेड m2 एंड m3 विल बी प्रोबेबली वर्क फर्दर पीरियड 5 एंड 7 ईयर और ये माना गया कि m2 और m3 जो है वो कहां तक और काम करने वाला है फर्दर 5 से 7 साल तक 5 से 7 साल तक रेस्पेक्टिवली द रेजिड्यूल वैल्यू ऑफ यूजफुल लाइफ आपका बोला गया कि यूजफुल लाइफ का रेजिडल वैल्यू है ग्यारह हजार और कितने का है हमारा चालीस हजार रिस्पेक्टिवली एम टू एंड एम थ्री तो सर हमारा एम टू की बात चल रहा है और एम थ्री की बात चल रही है यहाँ पे वाइल्ड द मशीन नंबर फोर रन सिक्स ईयर इसकी लाइफ छह साल है और नो रेजिडल वैल्यू होगा कंपनी क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट इकतीस दिसंबर एवरी ईयर

और इतनी जानकारी दे दी तो अब हम सेम टेन परसेंट ना जूम करके आपका दूसरे वाला जो फॉर्मूला लगाया था ना वो यूज करने वाले हम कौन से वाला वेन रेट इज नॉट गिवन एस में किया था ना वेन रेट इज नॉट गिवन तो उसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे ठीक है तो अब ये चेंज डिसीजन पता है कब हुआ चेंज सर डिसीजन जो चेंज हुआ ना वो हुआ 2020 में जाके तो 2020 में हम लगाएंगे डेप्रीसिएशन पहले उससे पहले तो हम डब्ल्यू डी भी लगा ले तो सर 31 और फाइनेंशियल ईयर कुछ नहीं बताया तो देखो 18 से 20 है तो यानी इकतीस बारह आएगा इकतीस बारह दो हजार अथारा. और सर यहाँ पे डेप्रीसिएशन लगेगा 10 परसेंट दैट इज हमारा सिक्सटी थाउजेंड और बैलेंस बच गया पांच लाख चालीस हजार रुपए पांच लाख चालीस हजार और ये जो तारीख आया एक एक दो हजार उन्नीस एक एक दो हजार उन्नीस अब जो है ना बीच में इसे बेचना पड़ गया तो हम जैसे ही गए एक दस दो हजार उन्नीस यानी ठीक नौ महीने है ना नाइन मंथ का नाइन मंथ का डेप चार्ज करो कितना बनता है कितने चालीस हजार पांच सौ रुपए नाइन मंथ का कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं साइड में लिख देता हूँ पांच चालीस पे सीधा लगाया हमने दस परसेंट दस बटे में सौ और ये नौ महीने का हो गया नौ बटे में ट्वेल्व क्योंकि बिक गया बीच में बैलेंस कितने का बच गया चार लाख निन्यानवे हजार पांच सौ का बैलेंस बच गया अब इसको हम सोल्ड कर देंगे माइनस कर देंगे बैंक से सोल्ड तो बैंक से अगर हम इसे सोल्ड करने जाए तो सोल्ड कितने का होगा सर तीन लाख अड़तीस हजार पांच सौ का सवाल में ही जीवन था ये तो डिफरेंस जो भी आया वो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा तो लॉस कितने का आ गया एक लाख इकसठ हजार का लॉस आ गया तो पहला पार्ट डन अब दूसरे पार्ट को लेके चलते हैं सर फिर से आएगा इकतीस बारह 2018 और इस पे छह महीने का डेप्रीशियशन चार्ज होगा यहां से यहां तक टाइम देखेंगे तो और छह महीने का 10 परसेंट के हिसाब से बनता है सर दस हजार इसके बाद डेट आएगा हमारा एक एक 2019 और माइनस करेंगे तो 190 अब इसके बाद आएगा हमारा इकतीस बारह 2019 और टेन परसेंट के हिसाब से लगने वाला है उन्नीस हजार कितने बचेंगे एक लाख इकहत्तर हजार एक लाख इकहत्तर हजार अब इसमें से माइनस होगा फिर से हमारा डेप्रीशियेशन उन्नीस के बाद हमारा जो ये डेट निकल के आया वो आ गया एक चार सॉरी एक, 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 एक दो हजार बीस और मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया कि अब ऐसे लम लगाएंगे लेकिन इसने बता भी दिया कि एम टू का वैल्यू कितना है सर यहां देखिएगा ना तो ध्यान से एम टू और एम थ्री यानी चालीस हजार और एम थ्री का सॉरी तो निकालेंगे ना जब रेट नहीं है, तो हमारा एक लाख इकहत्तर हजार का तो एसेट्स है इसमें से माइनस ग्यारह हजार रुपए कर देने वाले हैं जो कि स्क्रैप था डिवाइड यूजफुल लाइफ तो पहले मशीनरी का लाइफ आप देखो तो कितने साल है पांच साल तो ग्यारह हजार माइनस कर दो और पांच साल से तो कितने डेप आ गए बत्तीस हजार यानी सर अब बत्तीस हजार रुपए डिप्रीशिएशन लास्ट वाले साल में 2020 में लगेंगे यहां तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया यहां तक बताइए क्लियर है किसी बच्चे को डाउट जितने बच्चे लाइव में सर पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक थी दीपक मैंने ध्यान से नहीं देखा बता देना आप मुझे अभी तक बताओ किसी को डाउट क्लियर है सभी को यहां तक चलिए अब M3 की बात कर लेते हैं यहां पे हम एक डाल देते हैं लाइन जिससे सेपरेट हो जाए हमारा क्वेश्चन या इसको चलिए एम टू पे आ जाते हैं सर एम टू पे डेप्रीसिएशन लगेगा इकतीस बारह दो हजार उन्नीस दैट इज आपका इकतीस बारह अगर दो हजार उन्नीस की बात करेंगे ना तो छह महीने का या तीन महीने का सर तीन महीने का तीन महीने का डेप्रीसीन कितना आएगा हाँ दस हजार दस हजार आ गया सर तीन महीने का कुछ बच्चे पूछेंगे सर कैसे निकाला तो टेन बाय हंड्रेड अभी तो डब्ल्यू डी बी चल रहा है इन में थ्री बाय ट्वेल्व तो ये बच गया थ्री लैख नाइनटी थाउजेंड और ये डेट आ गया एक, एक, दो हजार बीस। अब सर यहां से फिर से डिप्रीशियन निकालने का सिलसिला चालू होगा वही वाला तो कॉस्ट कितनी है? 390. में, आपका दे रखा इसने. तो दूसरे का यूजफुल लाइफ दे रखा था सात तो कितने का आ गया आंसर कितने सर पचास हजार रुपए का डिप्रीशियन लग गया किसी को दिक्कत दूसरे में अगर एक मशीन जिसको समझ में आ गया ना तो बाकी लगेगा पे तो हो ही जाएगा ये अब इसकी बात करते हैं 2020 में ही खरीदा है तो 2020 को ही कंप्लीट करना है तो नाइन मंथ का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है ध्यान रखना नाइन मंथ का डेप्रीशियन चार्ज करना है और जो मैं ये डेप्रीशिएशन निकालूंगा वो पूरे साल का निकलता है इस बात को ध्यान रखना है आपको तो फिर सर यहाँ डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन कितना जिन बच्चों ने सेल्फ किया होगा ना यहाँ तो पक्का मिस्टेक कर दिया होगा क्योंकि एग्जामिनर का की पॉइंट है सर ये पूरे सवाल का क्या है की पॉइंट है यहाँ गलती करवा देगा वो आपसे क्योंकि बच्चे क्या करेंगे फटाफट निकालेंगे पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ओके लेकिन नहीं नौ महीने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा नाइन रहे हो बात सर इसका स्क्रैप बोला क्या होगा सर जीरो होगा इसका यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में दे रखा था कितना है छह तो सर जो ये डेप्रिशिएशन निकल के आए ना पचास हजार दैट इज फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फॉर वन ईयर जबकि आप कितना चार्ज करोगे इकतीस बारह दो हजार बीस एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट मान के चलो ये अगर ऐसा आता है तो बच्चे यही गलती करेंगे और फिर ना एक ना एक एक सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होते हैं बच्चे बोलते हैं कितने कटेंगे भाई तो ये सवाल सबसे मुश्किल सवाल है कटेंगे कितने वो छोड़ दो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो सोच लो आप ठीक है ना तो ऐसा नहीं होता एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नंबर देने वाला या नहीं देने वाला आपने मिस्टेक कर दिया मेन पॉइंट पे मिस्टेक कर दिया काट के जीरो कर देगा आपको लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते उनसे तो डिवाइडेड बाय इसमें नाइन बाय ट्वेल्व तो अब क्या आया सैतीस पांच सौ तो ये हमारा इसका डेप हो जाएगा अब बड़े स्ट्रिक्टली देखें ना तो पोस्टिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी मैं पोस्टिंग भी करके दिखा देता हूं आपको या पोस्टिंग आप कर लेंगे इसकी बताइए फटाफट अभी लाइव में जितने बच्चे हैं सर आप बता दीजिए फटाफट इसकी पोस्टिंग कर पाएंगे तो मैं पोस्टिंग छोड़ देता हूं फिर अगले कॉन्सेप्ट में बढ़ जाता हूं या पोस्टिंग बोलेंगे तो मैं कर देता हूं